एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर, खबर सदर इलाके से, जहां साथी के हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने से अधिवक्ताओं में जमकर आक्रोश। न्यायिक कार्य से विरत रहकर किया जिला कचहरी में प्रदर्शन। बता दें कि साथी पर हमले के मामले में पुलिस की लचर कार्रवाई से नाराज अधिवक्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्य से दूरी बना ली। प्रशासन व न्यायिक अधिकारियों को मांगों का ज्ञापन देकर मामले की जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बता दें कि मंगलवार को कचहरी स्थित जूनियर बार एसोसिएशन कार्यालय पर अध्यक्ष रोहित शुक्ला और महामंत्री संतोष कुमार सिंह ने साथी पदाधिकारियों संग बैठक की। साथी पर हमला, कई वकीलों पर दर्ज फर्जी मुकदमे के मामले में पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को देख अधिवक्ता संगठन की मांग पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। डीएमएसपी सहित न्यायिक अधिकारियों के कक्ष के बाहर मंगलवार को नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने कार्रवाई को लेकर हुंकार भरी। अधिवक्ताओं ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अधिवक्ता संगठन की ओर से न्यायिक अधिकारियों के साथ ही प्रशासन के अफसरों को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें अधिवक्ता परिषद जिला बार के पदाधिकारी, जुबाई के पदाधिकारी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला, किया जमकर नारेबाजी। बता दें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर के अम्बेडकर चौराहे पर रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजयू में जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के संसद में बयान से हिंदू समाज बेहद आहत और आक्रोशित है। राहुल इसके लिए पूरे देश के हिंदुओं से माफी मांगे। विभिन्न चुनावों के दौरान हिंदू बनने का राहुल का ढोंग उनके इस बयान से उजागर हो गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला मंत्री भाजपा अजय सिंह के अलावा जिले के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह नारेबाजी और पुतला दहन किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंधे इलाके खबर की, जहां करंट से महिला की मौत के बाद सड़क पर शव को रखकर परिजनों ने किया जमकर हंगामा, अंतिम संस्कार करने से किया इंकार। दरअसल कंधई इलाके के ताला गांव निवासी ओम प्रकाश मौर्य की 51 वर्षीय पत्नी निशा देवी मंगलवार सुबह करीब 7 बजे हल्की बारिश और हवा के दौरान आम के बाग के पास चली गई थी। इस दौरान वह बाग में लगे कटीले तार की बाढ़ में उतर रहे करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर से गुजर रहे लोगों ने शव देखा तो परिजनों को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाम को पोस्टमार्टम के बाद जब शव ताला बाजार पहुंचा तो लोग उसे सड़क पर रखकर बाड़ लगाने वाले पर कार्रवाई, मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिए। यशो अरुण कुमार दीक्षित मौके पहुंचे और परिजनों की कार्रवाई को आश्वासन देकर शव भेजा। निशा की बेटी रोशनी की तहरीर पर बाकी रखवाली कर रहे अनवर और मालिक के खिलाफ गैर निरातन हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अनवर को हिरासत में लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां मानीपुर थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी को अगवा करने की कोशिश, शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। बता दें कि मानीपुर थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी सोमवार रात घर के बाहर सो रही थी, तभी गांव के एक युवक ने उसे अगवा करने का प्रयास किया। किशोरी ने शोर मचाया तो परिजन और आसपास के लोग जग गए। परिजनों ने मामले की शिकायत मंगलवार को पुलिस से की है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लीलापुर इलाके खबर की, जहां शादी का झांसा देकर विश्वासघात कर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम प्रभात दुबे पुत्र राजेंद्र दुबे निवासी दुबेपुर थाना कोतवाली अमेठी बताया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा लड़की के साथ विश्वासघात कर उसके पैसे, आभूषण और UPI के माध्यम से धनराशि खाते में ट्रांसफर करा लिया गया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था और आखिरकार मुखबिर खास की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अजगरा रानीगंज के पास से आरोपी को धर दबोचा और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।